नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश यूटेक में। गाइस JKTU या फिर UPTU, देखिए सभी छात्रों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट डिमांडेड वीडियो होने वाला है। आप सभी के ढेर सारे कमेंट्स आए, YouTube पे भी आए, इंस्टा पे भी आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मैसेज किया कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के या फिर फाइनल ईयर का जो एग्ज़ाम है, किन छात्रों को प्रमोशन मिलेगा, किन छात्रों का एग्ज़ाम होगा, रिजल्ट कब आएगा, इस चीज़ को लेकर बहुत बड़ी अपडेट बताने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, साथ ही ऑफिशियल नोटिस प्रमोशन का कब तक आएगा, इन सारी चीज़ों को बताऊँगा। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट यह है कि जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, भाई फटाफट से सोचो समझो मत, समय मत गवाओ, अभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहां पे भी कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से डायरेक्टली आस्क कर सकते हैं, और मेरे से डायरेक्टली कोई भी बड़ा प्रॉब्लम है, कोई बड़ा इशू है तो डायरेक्टली बातचीत भी कर सकते हैं। तो चलिएगा, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज़ अभी मैं आपको एक आर्टिकल दिखाऊंगा जिसमें मैंने प्रमोशन और एग्ज़ाम को लेकर बात करनी है, लेकिन अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ऑफिशियल नोटिस कब तक आएगा। तो छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा, फिर एग्ज़ाम होगा, इस चीज़ का ऑफिशियल नोटिस जून के लास्ट वीक में आएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं रिजल्ट को लेकर, क्या कुछ अपडेट है। रिजल्ट आज भी आने की संभावना जो है वो थोड़ा सा कम है, आपको अभी एक दो दिन इंतज़ार करना पड़ सकता है, आज आ सकता है, लेकिन अभी कोई श्योर एंड सर्टेन नहीं है। JKTU आप तो जानते हैं कितना ज़्यादा मतलब चीज़ों को सर टालता है, डिले करता है, ये चीज़ें एज ए स्टूडेंट आप JKTU के हैं तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। और थोड़ा सा धैर्य रखिए, 9 तारीख आज है न, आज तो कल तो ज़रूर आ जाएगा रिजल्ट। और फिर जो सेकेंड ईयर के छात्र हैं उनका 12 से 15 के बीच में फर्स्ट ईयर का भी रिजल्ट आ जाएगा। ये हो गई रिजल्ट की बातें। अब चलिए अभी मैं आपको जस्ट एक आर्टिकल दिखाने वाला हूँ जिसमें मैं बताऊँगा कितने जो छात्र हैं कौन कौन से प्रमोट होंगे। अब चलिए बात कर लेते हैं किन किन छात्रों को प्रमोशन मिलेगा। तो देखिए, कल वाली जो मीटिंग हुआ था उसमें दिनेश शर्मा ने साफ साफ इस बात की पुष्टि की थी, भैया उन्होंने नॉन टेक्निकल शब्द का एक बार यूज़ किया था, मैंने भी उस वीडियो को देखा था उसके बाद। लेकिन आज के किसी भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ें नहीं है कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ये मसला है, नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी के लिए ये मसला है। चीज़ों को ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। तो गाइस गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ ये है फाइनली कि अगर आप फर्स्ट ईयर के छात्र हैं JKTU के, तो आपको 100% प्रमोशन मिलने वाला है। जी हाँ गाइस, अब प्रमोशन आपको किस सेम का मिलेगा, सेकेंड सेम में आपको प्रमोट किया जाएगा, फर्स्ट सेम का आप एग्जाम दिए आपका रिजल्ट आएगा, समझ रहे हैं ना। और उसी फर्स्ट सेम के आधार पे वो इंटरनल मार्क्स असेसमेंट सेकेंड सेम के उसी के आधार पे आपको फर्स्ट ईयर में प्रमोट कर दिया जाएगा। अब चलिए बात कर लेते हैं सेकेंड ईयर के, अगर आप छात्र हैं, फर्स्ट ईयर में आपको सेकेंड सेम में प्रमोट कर दिया गया था लेकिन आप फर्स्ट सेम का एग्जाम दिए थे और सेकेंड ईयर में आपने थर्ड सेम का भी एग्जाम दिया, रिजल्ट अभी आना बाकी है, तो ऐसे केस में फोर्थ सेम में भी आपको प्रमोशन मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, गुड न्यूज़ है। अब बात कर लेते हैं थर्ड ईयर के छात्रों की। तो देखिए भैया, आपने फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम कंप्लीट दिया था, सेकेंड ईयर में एक सेम दिया था, दूसरे सेम में प्रमोट हो गए थे, और उसके बाद फिर बात करते हैं कि आप इस सेम में मतलब फिफ्थ सेम का एग्ज़ाम दिए हैं, आपको रिजल्ट का इंतज़ार है और सिक्स सेम में भी आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो गाइस JKTU टेक्निकल यूनिवर्सिटी के जो भी छात्र हैं उनके लिए बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूँ कि भाई अभी कोई बस सिर्फ गाइडलाइंस आया है, शासन ने कोई फाइनल मोहर नहीं किया है, उन्होंने इस चीज़ की जो लेकर बातचीत है उसको लेकर एक अभी मीटिंग बैठाई जाएगी, कमेटी डिसाइड की जाएगी, अभी बहुत लंबी कहानी होने वाली है गाइस प्रमोशन और एग्ज़ाम को लेकर, उसके बाद फिर डिसाइड किया जाएगा कि किन छात्रों को मतलब प्रमोट किया जाएगा और किसके आधार पर किया जाएगा। तो गाइस यहाँ पर आप एक चीज़ तो जान सकते हैं, चीज़ों को समझ भी सकते हैं कि भाई अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कमेटी जल्द ही 10 दिन में फैसला लेगी कि किन छात्रों को कैसे प्रमोट करना है। शासन ने तो अपना आदेश दे दिया कि भाई फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, बाकी छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। और BA BSc वालों का क्या रूप है उसको लेकर वीडियो बनाया हूं, लिंक जो है आई बटन में दे दूंगा, जाओ जाके देख लो। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उस चीज को भी दिखाता हूं, मतलब सिर्फ फाइनल का एग्जाम होगा, बाकी सभी छात्र प्रमोट होंगे। आप सभी काफी ज्यादा क्वेश्चन कर रहे थे भाई थर्ड ईयर के छात्रों का क्या होगा, तो देखिए अभी JKTU तो कुछ नहीं बोला है लेकिन वो बोलेगा भी नहीं इतनी जल्दी, हफ्ते 10 दिन वक्त लेगा और बोलेगा यही कि फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा, सिर्फ फाइनल ईयर का एग्जाम होगा, क्योंकि स्थितियां आज भी हमारे हाथ में नहीं है। और ये जो एग्ज़ाम होगा फाइनल ईयर का वो मिड अगस्त में होगा, उसके साथ ही रिजल्ट और सब कुछ नया सेशन चालू होने में 15 सितंबर से नया सेशन भी चालू कर दिया जाएगा। तो चलिए एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल। तो गाइज यार, जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूँ वो आर्टिकल इस वक्त आप अपने स्क्रीन पे चीज़ों को साफ साफ देख सकते हैं, UG और PG के 1.5 लाख छात्र बगैर परीक्षा होंगे प्रोन्नत। जी हाँ गाइज, ये बड़ी अपडेट इस वक्त की है। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए भैया, विलम्ब ना करो, ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन, रिजल्ट की बात हो, प्रमोशन को लेकर बात हो, कोई भी, देखिए मैंने सारा प्रोसीजर समझाया ना, सबसे पहले समझाया कि प्रमोट किया जाएगा, उसके बाद ये भी बताया कि प्रमोट कर दिया गया, अब ये भी बताया क्या प्रोसीजर रहे,
रहने वाला है, सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिल रहा है ना, तो आपका भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि भाई अगर मैं इतना मेहनत करके सारे इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता हूँ तो आपको भी चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़रूर से शेयर कर दीजिए और एक लाइक भी कर दीजिए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं शासन द्वारा मंगलवार को UGPG के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली पहले व दूसरे छात्रों को प्रमोट करने के निर्णय से राजधानी के लगभग 1.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। वहीं फाइनल ईयर की परीक्षा को लेकर वाफो की भी समाप्त होगा। तो गाइज यहाँ पे देखिए जो एग्ज़ाम है वो जुलाई अगस्त के बीच में आयोजित की जा सकेंगी। कोविड संक्रमण के कारण पूर्व में CBSE एवं UP बोर्ड की कक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। वहीं स्नातक स्तर पर परीक्षाओं का आयोजन होगा या नहीं इसको लेकर गठित 3 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट भी दे दी थी। इसी क्रम में UGPG के परीक्षाओं को लेकर शासन द्वारा मंगलवार को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। राजधानी के अधिकतर विश्वविद्यालय में सेमेस्टर सिस्टम लागू है जिसके अनुसार यह सिर्फ फाइनल सेमेस्टर की परीक्षा प्रस्तावित की गई है। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा, सिर्फ से सिर्फ, मतलब एकदम लास्ट डिसीजन समझिए, और उसके बाद बाकी जो भी आप छात्र हैं आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो गुड न्यूज़ है, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और जो भी छात्र कंफ्यूज हैं उनके पास शेयर कीजिएगा, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं। ऐसे में लखनऊ विश्वविद्यालय व संयुक्त महाविद्यालयों के पहले दूसरे के लगभग 1,10,000 AKTU के पहले दूसरे और तीसरे राजधानी में गाइस देखिए यहाँ पे AKTU के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों छात्रों को प्रमोट किया जाएगा। यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं इस वक्त दिया हुआ है कि 20,000 नियर अबाउट जो छात्र हैं प्रदेश में टोटल 2,25,000 छात्र हैं उनको प्रमोट किया जाएगा। बहुत बड़ी अपडेट है यहाँ पे, मतलब टोटली ये डिसाइड हो चुका है कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाएगा, सिर्फ फाइनल ईयर का एग्ज़ाम होगा। ये सबसे पहले आपके प्रकाश एजुटेक आपके भाई ने सबसे पहले कल बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि भाई जो भी आपके डाउट्स हैं उसको क्लियर कर दीजिए, आपको प्रमोशन मिलेगा। वहीं डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय एवं अन्य प्राइवेट विश्वविद्यालयों में करीब 20 से 25,000 विद्यार्थियों को प्रमोशन का लाभ मिलेगा। तो अपने जो काम का है, जो छात्र इस वक्त वीडियो देख रहे हैं वो AKTU के मैक्सिमम है, क्या 95% प्लस जो है इस वक्त ऑडियंस मेरी AKTU की ये वीडियो देख रही है। तो यहाँ पे आपको गुड न्यूज़ है, सीधी सीधी सरल भाषा में समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं तो प्रमोट, सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो प्रमोट, थर्ड ईयर के छात्र हैं तो प्रमोट, फाइनल ईयर के या फोर्थ ईयर के छात्र हैं तो आपको एग्जाम देना होगा, वो भी अगस्त के मिड में। तो गाइज यार इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ वीडियो यूजफुल होगी। वीडियो अगर आपके लिए भी पर्सन काम की हो तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, और जिन भी छात्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे बस यही कहूँगा कि फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स के पास, उनसे कहिएगा वीडियो को कंप्लीट वॉच करें और तभी चीज़ों को समझ पाएंगे। तो गाइस जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।